मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 14 अक्टूबर है और बारिश की गतिविधियां किन इलाकों में होने वाली है, आगे मौसम कैसा रहने वाला है, पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि राजकोट जो गुजरात में है और उसके आसपास के इलाकों में काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कहां पर होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर, और ये जो पाकिस्तान है, उत्तरी पाकिस्तान, वहां पर भी दिखाई दे रहा है। उसके पीछे आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के पीछे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके पीछे और भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि एक तरह से सीरीज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक तरह से लाइन लगी हुई है पश्चिमी विक्षोभ की, एक के बाद एक लगातार आने वाले हैं। पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अक्टूबर के महीने में 9 तारीख को आया था, उस समय ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी, बारिश हुई थी, पंजाब तक ओले और बारिश गिरे थे। तो अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके प्रभाव से, ये जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि एक विपरीत ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है जो पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर बनेगा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर। तो इसके प्रभाव से अब क्या होगा कि गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में रेनफॉल शुरू हो जाएगी और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगा। पंजाब के कई इलाकों में बारिश की माफ कीजिएगा दिखाई देंगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अमृतसर है, गुरदासपुर है, पठानकोट है, यहाँ से लेकर के ये जो बारिश गतिविधियाँ हैं लुधियाना, पटियाला, इन सारे इलाकों में, जलंधर वगैरह में दिखाई देगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश होगी, और हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान जैसे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे जाएँ, और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ जो है वो पूरे राजस्थान को कवर कर जाएंगी और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगले 24 घंटों में हमें उम्मीद है कि ये 15 और 16 तारीख को यहाँ पर पहुँच जाएंगी, और उसके बाद 16 और 17 तारीख को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पहले तो क्या होगा कि अगले 24 घंटों में ये जो पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश है वहाँ तक पहुँचेंगी, उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी गोरखपुर, और जो सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, अयोध्या, रायबरेली और जो उसके आसपास के इलाके हैं, सुल्तानपुर वगैरह, इन सारे इलाकों में, अमेठी वगैरह, इन सारे इलाकों में पहुंच जाएगी। लखनऊ, कानपुर, इन इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जो बिजनौर है और मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, इन इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। दिल्ली NCR में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। राजस्थान के कई इलाके काफ़ी दिनों के बाद बारिश देखेंगे और एक दो स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं पंजाब और राजस्थान में। ओलावृष्टि जो होगी उससे अभी फसलों को नुकसान नहीं होगा कि इस समय कोई फसल नहीं है जो खेतों में, लेकिन आगामी फसलों के लिए ये बारिश थोड़ा सा फायदा पहुंचाएगी। और अभी जो बुवाई की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो मैं कह रहा हूं कि आप 21 तारीख तक उसको रोक के रखें, 21 तारीख तक एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, उसके बाद मौसम थोड़ा सा साफ होगा, तब आप जो जो फसल की बुवाई है वो शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह का वेदर इस इलाके में रहने वाला है। गुजरात में अभी फिलहाल आज बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, जिसका काफ़ी दिनों से सारे जो भारत वालों को, भारतवासियों को और पाकिस्तान के जो भाई बहन हैं इनको काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार था, वो आज शुरू होने वाला है 2 बजे। तो इसका मैं एक तरह से अपडेट दे देता हूं आपको कि यहां पर मैच में कोई भी बारिश की संभावना नहीं है, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन मौसम गर्म रहेगा, उमस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, और जो जब मैच शुरू होगा 2 बजे के आसपास उसमें 34 या 35 डिग्री के आसपास तापमान होगा, जब मैच खत्म होने वाला होगा तब तापमान जो है वो 27 या 28 डिग्री के आसपास हो सकता है। जो नमी है वो 42 से लेकर के 52% तक हो सकती है, यानी कि ड्यू जो मैदान में और क्रिकेट के पिच पर नहीं रहेगी, जिससे कि किसी भी टीम को फायदा या नुकसान ड्यू का नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के शुरुआती दौर में गर्म रहेगा मौसम, उसके बाद धीरे धीरे कंफर्टेबल तो नहीं होगा लेकिन वार्म रहेगा। तो इस तरह का वेदर एक्टिविटी वेदर अपडेट है इस इलाके का, और जो मैच है वो पूरे ओवरों के साथ समाप्त होगा। और गुजरात में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन 24 घंटे के बाद हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है दक्षिणी और पूर्वी गुजरात में। हालांकि सौराष्ट्र कच्छ जैसे कि भुज, नलिया, द्वारका, देवभूमि द्वारका हो गया, पोरबंदर है, ये सारे इलाके, जामनगर, मोरबी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बनसकांता, सबरकांता, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और जो वेदर एक्टिविटी है वो 16 और 17 तारीख को जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी, खास करके ग्वालियर संभाग में, और जो ये आपका है नीमच, उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, बरवनी,
ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। कोटा संभाग जो राजस्थान का, यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश के मैंने बताई दिया कि ज्यादातर इलाकों में होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं पूरी तरह शुष्क रहेंगे। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अब पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखेंगे, ये देखिए हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, यानी ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण क्या हो रहा है कि हवा इस तरह से, यानी कि ये सूखी हवाएं आ रही हैं, तो उसके प्रभाव से ये जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी यहाँ से देखिए शुष्क हवाएं आ रही हैं, तो इसके प्रभाव से क्या होने वाला है कि वेदर एक्टिविटी उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बहुत हल्की एक दो स्थानों पर ही दिखाई आपको देने वाली है। तो ये तो वेदर अपडेट हुआ आपका उत्तर पश्चिमी भारत का और पहाड़ों का और ये उत्तर पूर्वी राज्यों का। लेकिन जो उत्तराखंड है यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ है वो 16-17 तारीख को बढ़ सकती हैं, और उसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूसरा आएगा, फिर ये 19, 20 और 21 तारीख को एक बार फिर पहाड़ों पर स्नोफॉल और रेनफॉल हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होगी। मध्य भाग और पूर्वी भाग जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो मध्य प्रदेश के माफ कीजिएगा, उसमें कोई भी मौसमी गतिविधियां दिखाई नहीं देगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिद्धी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, जबलपुर, कटनी, उमरिया, दमोह, मांडला, अनूपपुर, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ये सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। उसी तरह महाराष्ट्र का भी पूरा इलाका शुष्क रहेगा। नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, ये सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। और जो मराठवाड़ा है, हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़, ये इलाके भी शुष्क रहेंगे। लेकिन पुणे और जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और 24 घंटे के बाद हो सकता है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बादलों की गरज चमक के साथ हल्की बौछारें देखने को मिल जाएं। तो ये वेदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा तो नहीं होगी मुंबई में, लेकिन थोड़ा बहुत राहत जो गर्मी और उमस है उससे मिल सकती है हमें। और ये जो अटरफ आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कर्नाटक से लेकर के ये महाराष्ट्र के तट तक आ रही है। इसके प्रभाव से गोवा से लेकर के कर्नाटक के तट पर और जो रायगढ़ है और अलीबाग है, मुंबई, थाने, दहानू, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और बात करें दक्षिण भारत की तो तेलंगाना में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की बारिश होगी। इंटीरियर तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। केरल और कर्नाटका के कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और जो लक्षद्वीप है यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन, लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं जो लक्षद्वीप के, उसमें भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास बन चुका है, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। अक्टूबर का महीना आ गया है, तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिर रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक जब आते हैं, जब आपको मालूम है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, ये जो आ रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो जो उत्तर पश्चिमी जो ये जो हवाएं हैं जो पहाड़ों से आ रही होती हैं, ये ठंडी हवाएं होती हैं, क्योंकि सर्दियों में ये बर्फबारी के इलाके से आ रही होती है। लेकिन अभी क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई है तो इन हवाओं में ठंडक नहीं है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो लगातार आ रहे हैं तो हवाएं इस तरह से ये घूमती रहेंगी, और ये जो उत्तरी हवाएं हैं इनको काटती रहेंगी। तो इसीलिए क्या होगा, बादल वगैरह छाएंगे तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो अगले 2-3 दिनों तक या 3-4 दिनों तक थोड़े से बढ़ेंगे, 2 या 3 डिग्री बढ़ जाएंगे। यानी सुबह और शाम की जो हल्की सर्दी थी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, अभी सर्दी नहीं दिखाई देगी। और जब ये 21 तारीख के बाद सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएंगे, पहाड़ों पर स्नोफॉल हो चुका होगा, तब जब उत्तर दिशा से ये जो हवाएं चलेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार फिर आपको समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको। ये देखिए अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये समझिए ये सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गए, यहाँ से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच गया आपका इस जगह पर, यहाँ पर आ गया ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गए। तो ये जो हवाएं जो घूम रही हैं ये तो रुक जाएंगी, और फिर यहाँ पर जो स्नोफॉल हो चुका होगा तो यहाँ से जो ये सर्द हवाएं आएंगी नीचे तक, तो इससे क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ तक तापमान खास करके मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे, और सुबह और शाम के समय सर्दी का एहसास आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह का वेदर अपडेट ये आगे का है, और आगे जो भी अब इसका जो चेंजेज होंगे, अगर कोई जो वेदर सिस्टम बड़ा बनेगा या कुछ भी अप्रत्याशित होगा तो उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा जब हैवी स्नोफॉल होने वाला होगा। उससे पहले 2-4 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप पहाड़ी इलाकों में जाकर के बर्फबारी का आनंद उठा पाए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।